मॉर्निंग, वेलकम टू बेकार के ब्लॉग्स एपिसोड नंबर 3। इंडिपेंडेंस डे गाइस, विशिंग अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। हमने जा रहे और हमारे ग्रुप ने जाने के साथ ही है हमारे प्रो। हेलो सौरभ भाई, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आज इंडिपेंडेंस डे है तो आज हम सोच रहे थे थोड़ा लॉन्ग ड्राइव पे घूम के आ जाए, कहीं आस पास घूम के आएंगे और जहाँ जहाँ हम घूमेंगे आपको दिखाते रहेंगे। सो कीप वॉचिंग। और ये हम बारामूला जगह पे हैं, ये हम बारामूला फ्लाईओवर पे हैं। बहुत कम लेकिन उनके नली बहुत गंदगी जा रहा है, और मौसम भी बहुत अच्छा है, बारिश हो रही है, तो ठंडी ठंडी हवाओं का आनंद लेते हैं। हम जा रहे हैं। हेलो हेलो अगेन। तो अभी मुझे भाई ने बताया कि भाई मुझे कहीं कॉन्सेप्ट शॉर्मा खिलाने लेके जा रहा है। भाई का नाम तो आपने सुना ही होगा, दिल्ली में बहुत फेमस जगह है, बहुत फेमस रेस्टोरेंट है जो कि डिफेंस कॉलोनी के फ्लाईओवर के नीचे है, और उसका चिकन ऑसम है। और कॉन्सेप्ट का शवरमा दिल्ली में सेकंड नंबर पे आता है आफ्टर अल्बेक। और तो मैं रितु को वहीं लेके जा रहा हूँ, मुझे अल्बेक से अच्छे कॉन्सेप्ट का अल्बेक करके अच्छे से घूमेंगे। और आज हमारे दो कजिन भी आए, थोड़ा सा चीट कर लेता हूँ जाएंगे। अभी शॉर्मा जब खाएंगे तो आपको खिला देंगे, आप इंजॉय करना। सो बाय बाय। सो गाइस, वी आर बैक अगेन। सो गाइस, वी आर हियर एट द कॉन्सेप्ट शॉर्मा पॉइंट। सो गाइस, नाउ वी आर एट कॉन्सेप्ट। सो गाइस, हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट में आ गए, हमने ऑर्डर कर दिया था, अब फटा हमारा आ भी गया यहाँ पे खाना अभी मना है। ड्यू टू द लॉकडाउन एंड कोरोना वायरस, ये लोग यहाँ पे हमें खाने के लिए परमिशन नहीं दे रहे हैं, इसलिए हमने टेक अवे ले लिया है। बट आई टेल यू गाइस कि दिस इज द बेस्ट प्लेस आई हैव एवर हैड शवरमा इन माय लाइफ। इफ यू नो अ प्लेस बेटर देन दिस, डू कमेंट बिलो। ये मैं सबसे ज्यादा ब्लॉगिंग करता है, और अब हम कार में बैठ के खा लेंगे। आई एम वेरी हंग्री, बहुत भूख लग रही है, सुबह से निकले हुए हैं, रोड नाप रहे हैं, रोड नाप के अब भूख लग गई है। सो वी आर रेडी टू ईट। जरूर आके यहाँ पे ट्राई करें, क्योंकि ये दिल्ली की थी आपको हर कहीं नहीं मिलने वाली। दिल्ली की ट्राई दिस राइट नाउ राइट हियर। हेलो गाइस, आज हम गोलगप्पे खाने आए हैं, बहुत देर हो गई बाजार घूमते को। मेरा गोलगप्पे खाया, आप गोलगप्पे के बाद देख सकते हैं, आपको गोलगप्पे खाते हुए नहीं दिखाए। और अब हम जा रहे हैं आइसक्रीम। हाँ, अब कुछ तीखा कुछ खा गया, खट्टा मीठा तब तीखा खाया, एक्चुअली खट्टा मीठा तो नहीं था, तीखा ही था। सो नाउ वी आर गोइंग सम मीठा मीठा मीठा, एंड द मीठा इज नथिंग बट आइसक्रीम। तो हम डिसाइड कर रहे हैं कि कौन सी वाली आइसक्रीम खानी है, कौन सी दुकान पर जाना है, मुझे पता नहीं है यहाँ पे। तो अब हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हो? आइसक्रीम खाने को बता दिया मैंने। और एक चीज़ क्या हुई है, यहाँ पे हम आलू टमाटर भूल गए गोलगप्पे वाली दुकान पे, खा के आ गए और अपना सामान वहीं पे भूल गए। तो अभी खुशी लेने गई है सामान, तो उतने में हम आपको बताएंगे कि आसपास क्या हो रहा है, आपको आसपास की बाजार दिखा देते हैं। हम आइसक्रीम वाले तो दिखा दो, बोर्ड दिखा दो। आइसक्रीम वाले के यहाँ आ गए पर भैया नहीं है यहाँ पे, बताओ भैया को ढूंढ रहे हैं। भैया कहाँ गए? विनोद तो नहीं है भैया? भैया विनोद तो नहीं है कहीं? मैं आपको दिखाऊंगी मयूर विहार का विनोद कौन है। यू कैन सी विनोद इज बिजी ओवर हेयर, ये आइसक्रीम की दुकान पे विनोद वाले भैया आ गए हैं। ही इज बिजी ऑन हिज फोन, और हम ऐसे चुपके से ही बना रहे। बुआ चिल्ला रहे भैया ही इज नॉट स्टिल बिजी। विनोद भैया यही है। हम खा रहे हैं रबड़ी ना, रबड़ी कुल्फी, और बहुत टेस्टी होती है, ज्यादा महंगी भी नहीं है, 25 रुपए के। और अब हम घर जा रहे हैं, घर की तरफ रुक ले रहे हैं, आइसक्रीम खाते खाते। और ये लड़की टमाटर आलू लेते हुए चल रही है हमारे साथ, वेरी हार्ड वर्किंग गर्ल, सुबह से सारा घर का काम करती है ये, और फिर शाम को आलू टमाटर भी लेके जाती है बाजार से। इससे ज्यादा मेहनती लड़की तो मैंने आज तक देखी नहीं है। नो व्हाट गाइस, ये आइसक्रीम बहुत टेस्टी है, बहुत ज्यादा टेस्टी। और इस आइसक्रीम की जो शॉप है ना, वो GPS पे है ना,
जीपीएस पे है, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर दूंगी, आप जाइए और खाइए। 25 रुपए की रबड़ी कुल्फी बहुत अच्छी है। बीस की केसर पे, पर हम थोड़े अमीर है, बट हम थोड़े अमीर है तो हम 20 वाले नहीं खाते, हम 25 वाले खाते हैं। यू नो दिल्ली के अमीर लोग हम ही, और कोई नहीं है। गाइस आइसक्रीम के साथ साथ आपको एक बंदा और मिलेगा जो बहुत ही आजकल चर्चित है, चर्चित है ना, फेमस है, वो और कोई नहीं आपका प्यारा अपना विनोद है आपको मिलेगा, जिसकी चर्चा इतनी यूट्यूब पे हो रही है, कमेंट्स में हो रही है, हर कोई विनोद विनोद कर रहा है। तो फाइनली यू विल मीट विनोद आफ्टर व्हेन यू ईट आइसक्रीम ना फ्रॉम दैट शॉप। आई प्रोवाइड यू द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सो यू विल मीट विनोद। हेलो गाइस, आई एम बैक। यू नो व्हाट गाइस, अब मैं अपने घर आ चुकी हूँ, पहले बुआ के घर पे थी, अब अपने घर आ चुकी हूँ, तो बीच में मैं शूट नहीं कर पाई, इसलिए पहले वाला शूट अधूरा रह गया, क्योंकि घर से फोन आ गया था कि आ रहे हैं घर पे जल्दी से, तो इसलिए मैं शूट नहीं कर पाई। और अब मैं अपने घर आ गई, अब जो भी ब्लॉग बनेगा वो घर अपने घर का बनेगा, पहले बुआ के घर पे थी। और एक इन्फॉर्मेशन और है कि जन्माष्टमी स्पेशल का बेकार के ब्लॉग्स का एपिसोड नंबर 2 था, वो जन्माष्टमी स्पेशल था, वो अपलोड नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल इश्यूज, उसमें कुछ साउंड का प्रॉब्लम था, दैट्स व्हाई हम उसे अपलोड नहीं कर पाए। मैंने वो शूट कर रखा है पूरा, बीच में वो बिल्कुल मैं उसको साउंड प्रॉब्लम को ठीक करके उसे अपलोड कर दूंगी। सो जो ये वाला ब्लॉग है वो 3rd एपिसोड है, सो आप ये मैं सोचा कि 2nd तो करा नहीं और 3rd कर दिया, तो मैं 2nd भी बीच में कर दूंगी। सो आप बस मेरी वीडियोज को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, और नाउ इट्स टाइम टू से बाय बाय, गुड नाइट, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो बिकार के ब्लॉग्स। यस, बाय।